तो है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम पे वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं जीटी 5। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट वाली वीडियो में क्या हुआ था। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग एलरूबियो को लेकर आ गए थे, जहाँ पर हमें रेस्टोरेंट लोकेशन बताई गई। हमने उसको किडनैप कर लिया, हमने एलरूबियो को लास्ट वाली वीडियो में किडनैप कर था। अगर आप सभी ने नहीं देखा है वो वाली वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप सभी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। हैं एंड उस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि वो वीडियो कैसी लगी, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड बेल आइकन का बटन ऑल पे कर देना कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ठीक है। सो जैसे कि आप सभी को कुछ पता ही है कि हमने एलरूबियो को किडनैप करा, ठीक है। तो उसके बाद गाइस, किडनैप करने के बाद मैं लेकर आ गया था उसको अपने फ्रेंड वेस्ट्रा के न्यू वाले बेस के अंदर। मैं उधर ही, वैसे भी एक बात बोलूँ तो एलरूबियो को हमने अकेला किडनैप नहीं करा है, हमने मेन साथ में किडनैप करा है, अंडर वाटर माफिया। इफ़ यू गाइस डोंट नो कि अंडर वाटर माफिया कौन है, सो आई विल टेल यू। अंडर वाटर माफिया वो है जो जिसको हमने लैम्बोर्गिनी सियान बेची थी। अगर आपसे वो या वीडियो भी नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लेना, ठीक है। तो वही फटाफट से आज का क्या सीन है ना, आज हमें जाना यार उधर ही वापस, क्या नाम है, अपनी पुरानी लोकेशन वेस्टर का बेस, एंड वहाँ पर जाके एक बार चेक करना कि वो मतलब एक सही है ना वहाँ का सिस्टम, क्योंकि वेस्टर्न अपना बिग माफिया का भाई ज़्यादा देर अगर वो उठ उठ गए या मतलब भाई उन्होंने हमला कर दिया तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। मुझे ज़रूरत मतलब मेरे तो ज़रूरत होगी वहाँ पर जाने की। बाकी मैंने ट्रेवर को फ़ोन कर दिया है कि भाई तू आ जा, एंड फ्रैंकलिन को भी कर दिया कि तू भी आ जा, क्योंकि यहाँ पे सीन अलग ही है, तो तुम्हें यहाँ पे देखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अभी का क्या सीन है, अभी हमें जाना है सीधा यहाँ से फ्रैंकलिन के घर, एंड फ्रैंकलिन को उठा कर हमें निकलना सीधा अपने बेस की मतलब एक रेस्टर के बेस की तरफ। और ट्रैवल का तो आप सभी को पता ही है, वो तो भाई वो थोड़ा मतलब एक विलेज वाले एरिया में रहता है, सो वहाँ पर हम जा नहीं सकते अभी। एंड हमारे पास है भी 2 सीटर कार, तो वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो बस हमें उसकी वेट करनी है, ठीक है। तो बस अभी का क्या सीन है, अभी आज के दिन आप सभी को पता, बड़े दिन बाद मैं एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, बस रुक जाओ। आज के दिन हम तगड़ी सी चीज़ लेकर आए हैं, आप सभी को दिखाऊंगा मैं फटाफट से। बाकी गाइस, आप सभी को मेरी लुक कैसी लग रही है यार। मैंने अभी अभी लेटेस्ट ही मतलब एक रिसेंटली हेयर कट वर्क करवाया और दाढ़ी दूढ़ी अच्छी खासी सेट करवाई है, और देख सकते हो आप सभी मेरी लुक कैसी लग रही है। बताना ज़रूर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। एंड लास्ट वीडियो में भी मैंने पूछा था, कुछ लोगों ने बताया नहीं, बट आप सभी बता देना यार अगर आप सभी पूरी वीडियो देखते हो। सो गाइस, हियर इट इज़। अगर आप सभी को गाइस याद होगा कि अपनी पुरानी बुगाटी कुछ टाइम के लिए बैनी ने अंडरकवर कर दी थी, बिकॉज ऑफ यू नो दैट गाइस कि मतलब डंगन मोस के टेररिस्ट ने हमला करा था। तब से मेरी MBBS मर्सिडीज MBBS भी गायब है ना, वो मिली ना कुछ, पता नहीं कहाँ गई गाइज वो, आई डोंट नो। बट लिटरली उससे पहले पहले ये तो मेरी गाड़ी थी, वो ये वाली गाड़ी, एंड बाकी की अब तेरी आराम से ओ भाई। हाँ, तो जो बाकी की अपने क्या नाम है बाकी गाड़ियाँ थी वो बैनी अपने मतलब एक अपने एक एक्सटर्नल उसने बैनी के साथ में गराज खरीद रखा है। तो उस अबे भाई इधर क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई साहब, इधर तो अलग ही फाइट चल रही है यार, मुझे इधर पंगे में नहीं पड़ना, ठीक है। हम तो निकलेंगे यहाँ से, हमें गाइस उधर कुछ नहीं करना है, हम अपना निकलते हैं फटाफट से, हमें कुछ पंगा नहीं लेना, कुछ कुछ नहीं करना। हमारा मेन मोटिव है यहाँ से निकलना है, एंड जाना है सीधा फ्रैंकलिन के घर पे, बिकॉज ऑफ आप सभी को पता है हमें उसको पिक भी करना है। बाकी यार सही बताऊँ, इस गाड़ी को ना इस नॉर्मल स्पीड पे चलाना ही बढ़िया है, क्योंकि अगर इसको मैं, अरे भाई हमारी गाड़ी को एक चुन्नू सा भी डैमेज नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, हल्का सा स्क्रैच पड़ा, और उसकी गाड़ी का देखो क्या मोटा डैमेज पड़ गया। हमारी गाड़ी फिर यार मजबूत है, बैनी ने कस्टमाइज करी रखी है यार। एंड हाँ, क्या सीन है कि इस गाड़ी को हम ज़्यादा तेज भगा नहीं सकते, अगर भगाया तो आप सभी को पता है इस गाड़ी के साथ होता क्या है, ये भाई हवा को मतलब हवा के साथ बातें करती है, एंड हवा से बातें हमें नहीं करवानी, हमें नॉर्मल स्पीड पे जाना है, नॉर्मल स्पीड पे आना है। हमें कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कुछ नहीं चाहिए अभी। ओ भाई, तो भाई एक बंदे को ठोका तब भी मेरी गाड़ी को इतना कुछ नहीं हुआ भाई, स्क्रैच पड़ा बस।
उसकी गाड़ी का तस्वीर बता रहा हूँ, हम छीते टाइम मतलब पीछे से जैसे रेड वाली कार के वो हुआ था, पूरी पिचक सी गई थी, वैसे ही हो गया। वो भी गाड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत है यार, बट कोई नहीं, अभी बस हम पहुँच गए जाएँ एक बार फ्रेंकलिन के घर पर। तो गाइस अभी बस हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट फ्रेंकलिन के घर पर। बस यहाँ से हमें सीधा जाना है फ्रेंकलिन का घर, नहीं यहाँ से सीधा जाके नहीं, हमें यहाँ से सीधा जाके एक आगे से यू टर्न मतलब ऊपर वाली साइड के यू टर्न लेना है, ऐसा समझो राइट ही लेना है, बट फिर भी एक ऐसा यू टर्न ही है ये भी। ओ भाई आराम से, ओ माय गॉड, इसका ग्राउंड की वजह से ठुक गई यार यहाँ से। क्या यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है इतना तो। बड़े दिन बाद वैसे भी गाड़ी निकाली थी, बट कोई नहीं, हो गया हो गया। बाकी फ्रैंकलिन गाइस वो रहा फ्रैंकलिन, फटाफट से आधा गाड़ी में गाइस आ रहा है फ्रैंकलिन, तो आ जा फटाफट, आ जा फटाफट, आ जा आ जा आ जा। ओके तो गाइस फ्रैंकलिन इसी के साथ आ चुका है, एंड अभी हमें जाना है फटाफट से अपने रेस्टोरेंट के नए वाले बेस की तरफ, एंड वहाँ पर जाकर हमें देखना है एलरोबी एंड अंडरवाटर माफिया एक क्या हाल है। वैसे तो उनके हाल बुरे ही होंगे, बट फिर भी चेक तो करना ही है ना गाइस, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत गलत सीन भी हो सकता है। बस हम जल्दी जल्दी से पहुँच जाए वहाँ पर। एंड भाई ड्राइवर को मैंने बीच रास्ते में भी कॉल कर दिया था कि भाई आ रहा है ना, वो बोला बस मैं अभी निकलूँगा वहाँ से, क्योंकि आई थिंक उसको कुछ काम आ गया था उधर। वो भी मैंने बोला भाई जल्दी कर जो भी काम है। ओ भाई तो हियर वी गो के वक्त गाइस अलग ही मजे ले रहा फ्रैंकलिन। तो गाइस उसको कुछ काम आ गया था, मैंने बोल दिया कि भाई काम को बिगड़ जल्दी आए, इधर अलग सीन है भाई, वो काम तो चल होते रहेंगे। वो कहते चलो ठीक है, तो बड़ा से ओके हम गाइस यहाँ पर आ चुके हैं। चलो भाई चलो फटाफट से अभी चलते अंदर, अंदर जाके गाइस हमें देखना है कि उनके क्या हाल है। बाकी फ्रैंकलिन आ रहा है मस्त मजे मजे में, आ जाओ भाई आ जाओ फ्रैंकलिन, आराम आराम से आ जाइए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है। बाकी वो आ रहा है, एंड भाई मेरी लुक क्या ही लग रही है ना, मुझे पता नहीं क्यों मेरी लुक इतनी प्यारी लग रही है ना, माय गॉड। ओहो आ जा फ्रैंकलिन फटाफट आ जा। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अंदर, एंड फ्रैंकलिन भी आ चुका है, एंड वो वेस्टर से बात कर रहा, मैं भी वेस्टर से बात करता हूँ। और ये क्या, अरे भाई साहब हमारे भाई बिग माफे के भाई तो यार गाइस यहाँ पे सो रहे हैं। ओके तो गाइस इससे पूछता हूँ कि भाई वो उनका हाल क्या है, वो कहाँ पर है। तो गाइस मेरी इससे बात हो चुकी है, एंड ये बोल रहा है कि मैंने पहले इसको यहाँ पर टांग रखा था एल रूबियो को, फिर हम लोगों ने मतलब एक बिग माफिया का भाई एंड वेस्टर ने मिलकर थोड़ा उतारा इसको, एंड यहाँ पर अभी भाई साहब इसको पता नहीं क्या औरत दौरे से पड़ रहे हैं, एंड अंडर वाटर माफिया पहले की तरह बेहोश, तेरी ऐसी ऐसी ऊँह लगा रखी है। ओए गन वगैरह जगह, गन कैसे निकाल जी, वो गन कैसे आई इस पे, गन कैसे आई, गन कैसे तेरी, गन कैसे आई, 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 ओ भाई इस पे गन कैसे आई। तो भी सोचो ये झुक के क्यों बैठा है, कितना तेज है यहाँ पे, इसने वक्त गन उठा ली थी। वेस्टर भाई तू ध्यान तो रख गाइस, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है ये, अभी तो गाइस मैंने इसको बेहोश कर दिया है, अच्छे खासे मुक्के जो मारे हैं, लाते जो मारी है मैंने, चल तेरी मेरे भाई ये गन भाई सर। अच्छा गैस में ये वाली गन जो थी मेरी कल मैं यहाँ पे गैस छोड़ के क्या था, ओ माय गॉड भाई, एक तो वेस्टर्न ने भी इसको देखा नहीं, इसने उठाई और झुक के बैठा, जब भी लात मारे तभी देखो कैसे गन निकाल हुई थी गैस इसने, और तू बेटे तू मरा रहे बेटे। अभी गाइस इन पे ध्यान तो रखना पड़ेगा, फ्रैंकलिन भी आ चुका है फ्रैंकलिन, अब भाई तो इस पे ध्यान रखो, ड्राइवर को जल्दी से बुला, जल्दी आ जाए भाई, उसको दूसरी बार तू कॉल कर। अब तो गाइस मेरी अभी फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है, एंड इसने इस पे एम कर रखा, चलो भाई बढ़िया बात है। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे गाइस एक और काम है, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि मुझे लिबर्टी वाले फ्रेंड का कॉल आया था, एंड वो बोल रहा था कि उसको उसका प्लेबॉय मेंशन बेचना है, कुछ पैसे चाहिए उसको, एंड मेरी उससे आज ही बात हो पाएगी, कल से तो गाइस मैं बिजी था, आप सभी को पता है इसको किडनैप करा था, आज मेरी उससे बात होनी है, मुझे उसको एक बार कॉल भी कर देना कि भाई अगर मिलने कहाँ आ रहा है। अच्छा एक बार उसको कॉल करके ना मैं पूछ लेता हूँ कि वो कहाँ मुझे मिलने आएगा। सो के गाइस मेरी उससे बात हो चुकी है, एंड वो बोल रहा है कि वो मुझे मिल जाएगा सैंडी शॉर्ट्स के अंदर,
मैंने कहा ऐसे वहाँ पे क्या कर रहे हो सैंडी शॉर्ट्स के अंदर? कह रहा है मैं जस्ट ऐसे नॉर्मल पर्सन की तरह वहाँ पे ऐसे घूमने आ रखा था, क्योंकि वो अभी अंडर कवर है गाइस। आप सभी को मैंने बताया था वो विदाउट बॉडी गार्ड्स के साथ आ रखा है ना, विदाउट एनी सिक्योरिटी की, लोगों को पता चल जाए कि जो बटी सिटी का डॉन है वो आ रखा है इधर। एंड भाई साहब हमें वो पंगे नहीं लेने हैं, बस हमें तो अपना काम से मतलब है और उसको भी अपने काम से मतलब है भाई। ठीक है, तो अभी हमें जाना है अपने क्या नाम है यार, एक तो सैंडी शोर से, एक तो पजीटा में बोलने वाला था उसको, सैंडी शोर जाना हमें फटाफट से। एंड वहाँ पर जाके मिलना है जो बटी वाले फ्रेंड को, एंड उससे बात करते हैं कि भाई घर क्यों बेच रहा है, वो फिर बताएगा। एंड फिर भाई मैं तो पेमेंट करने को भी फुल रेडी हूँ, गाड़ी में गैस पेमेंट पड़ी है, मैंने रखी हुई है तब से जब से मैं घर से निकला हूँ इस गाड़ी को लेके, तब से मैं गाइस मैंने पेमेंट तो अपने इसी में रखी हुई है क्या नाम है गाड़ी के अंदर, तो बस मुझे वो दिक्कत दुक्कत नहीं चाहिए, आराम से भाई पेमेंट वूमेंट है, चलते हैं और मौज करते हैं आराम से। अभी बस पेमेंट लेके जाऊंगा और जाकर देखते हैं, चलो बात करते हैं। एंड उसको मैं सोच रहा हूँ कि पहले सिटी की तरफ ही जाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा, तो चलो फटाफट से पहुँचते हैं सैंडी शॉर्ट्स की तरफ। तो ओके गाइस, अभी हम बस पहुँच चुके हैं लिबर्टी सिटी भाई, फिर लिबर्टी सिटी बोलने वाला था, हम पहुंच चुके हैं बस सैंडी शॉर्ट्स के अंदर, बस लिबर्टी फ्रंट के पास जाना हमने। एंड उसको मिलना है, वो बोल रहा था इधर एक क्लोथिंग स्टोर है, इधर आ रखा है ना बस इधर, मुझे एक क्लोथिंग स्टोर तो इधर है तो सही, देख के आता कि वहाँ पे क्या कर रहा है। एंड भाई अच्छा जी सही बताऊँ ना, अपनी यार ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा ठुक चुकी है, इसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। एक तो लाइट ही फूट गई, वाह भाई मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया, एक वाइट भी फूट गई है, वाह भाई वाह, नाइस नाइस। कोई नहीं, चलो अभी बस ये पहुंच ही गए हम लोग। ओके बस हो गए, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, बस आगे समझ लेना हल्का सा लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट। एंड गाइस पहुंच गए, ये रहा अपना लिबर्टी फ्रेंड। ओके सो हियर ही इज, लेट्स गो। अभी बात करते हैं फटाफट से अपने लिबर्टी फ्रेंड से, एंड बात पूछते हैं कि भाई क्यों बेच रहा है और क्या दिक्कत आ गई, किन पैसों की जरूरत है, क्या हुआ है ऐसा। तो गाइज मेरे से बात हो चुकी है, ये बोल रहा है कि बस मुझे ना अपने लिबर्टी सिटी के अंदर मेरे भाई का कुछ पैसों की जरूरत है, जो उस घर को बेच के आएंगे, क्योंकि उसको शोरूम को थोड़ा बाय करना है लिबर्टी सिटी के अंदर, एंड गाड़ियाँ वगैरह भी इम्पोर्ट करवानी है, कि उसके चक्कर में गाइज उसको पैसों की नीड पड़ रही है। मैंने कहा वाह भाई वाह वाह वाह, ये ऐसा कौन करते हैं। मैंने कहा भाई चलो कोई नहीं, कहता कि मैंने कहा चल मैं खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है इतने पैसे तो मैं खरीद सकता हूँ उस घर को। कहता तुम खरीदोगे ये तो और बढ़िया बात है, तो मैंने कहा भाई यस है ये बढ़िया बात। सो गाइस हम लोग उस घर को खरीदने वाले हैं, बाकी ये बोल रहा है कि घर के पेपर तो घर के अंदर ही है, तो चलते हैं फटाफट से भी घर मतलब पे बॉय मेंशन, वहां पर जाके सीधा पेपर्स पे साइन करके इसको पेमेंट कर देता हूँ, एंड ऑल सेट, अपना वो घर बन जाएगा इसी के साथ। लेट्स गो गाइस। तो गाइस अभी का क्या सीन है ना, अभी बहुत गलत सीन है, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है जो मेरी जीप SRT मीन्स की मेरी जीप ट्रॉहॉक SRT बड़े दिन से दिख नहीं रही थी, वो थी अपने लिबर्टी फ्रेंड के पास, एंड ये खड़ी आप सभी देख सकते हैं, ये खड़ी अपनी जीप ट्रॉहॉक SRT। कितने दिनों बाद गाइस, इतने दिनों बाद गाइस, आप सभी को याद ही होगा हमने क्या खतरनाक इसकी मॉडिफिकेशन करवाई थी, एंड हमने क्या नॉर्मल गाड़ी से क्या गलत गाड़ी बनवाई थी, एंड इसका एग्जॉस्ट क्या ही अलग करवाया था। अब मेरा मन है भाई मैं जीप चलाऊं, क्योंकि बड़ा टाइम हो गया इसको चलाया नहीं, आज बुगाटी चला रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि तू बुगाटी पे आ, मैं आता हूँ इस जीप पर, तो फटाफट से जाएगा अभी उसको चलाने, एंड मैं चलाऊंगा जीप ट्रॉहॉक SRT। तो गाइस देख सकते हैं वो बुगाटी लेके निकल चुका है, एंड भाई मैं भी फटाफट से अभी निकलता हूँ उसी के पीछे पीछे। एंड भाई वो थोड़ा, क्योंकि ज़्यादातर इस सिटी में घूमा नहीं, बट भाई मुझे टेंशन है क्योंकि मेरी बुगाटी भी है, बाकी उसने जीप SRT का तो मतलब भाई अच्छी तरह ध्यान रखें, एंड ये रही अपनी बुगाटी बॉल गाइड, ये जा रहा है अपना फ्रेंड। एंड भाई आराम आराम से मुझे भी चलानी है गाड़ी, क्योंकि उसके साथ साथ ही चलना है मुझे, ज़्यादा तेज भी नहीं भगानी भाई साहब, वो देखो ना एग्जॉस्ट में से, और मैं फट 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 फटाके निकाल ही जा रहे हैं गाइस, हम देख रहे हैं भगा ले, अब इतना भी क्यों स्लो चला रहा है। तो गाइस अभी उसने भगा लिया है, अभी देखते हैं भाई साहब, अभी भगा रहा था खड़ी भाई 100 के ऊपर, तो वो मस्त से चला रहा है गाड़ी तो गाइस वैसे तो। ओ भाई मेरे से तो अच्छा ही ड्राइवर है गाइस, इतना मैं बता रहा हूँ।
बाकी गाइस इसको ठोका ज़्यादा डैमेज पड़ा नहीं, ये भी सही है यार। सही बताओ ना, बैन ही बहुत तगड़ा मॉडिफिकेशन वाला बंदा है, गाड़ी ठोक दी। मैं अभी इसकी तारीफ कर रहा था भाई। हेलो, तो भाई ढंग से गाड़ी चला ले गाइस भाई। एक तो एक ढंग से एक तो गाड़ी भी नहीं चलाता ना। तो चलो कोई नहीं, बस हम जल्दी जल्दी हम पहुंच जाए ना अपने सिटी की तरफ, अपने फेवरेट मेंशन। बस जल्दी से पहुंच गए एंड आराम से बस गाड़ी ना चला ली ना, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बस कोई नहीं, अब फटाफट से चलते हैं फेवरेट मेंशन की तरफ। तो ओके गाइस, अभी हम लोग बस पहुंच गए हैं सिटी की तरफ एंड गाइस देख सकते हैं सिटी आ चुकी है भाई। बुगाटी ठोक दी वापस इसने। मैंने भाई पूरा रास्ता में एक बार गाड़ी नहीं ठोकी, वो हल्की ठोकी थी बट मेरी गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं भाई। सब अभी हल्की सी करी तो भाई उसने मेरी गाड़ी के आगे से सत्यानाश मार दिया। बाकी हम सिटी पहुंच चुके हैं, वो गाड़ी आराम से चला दे फुफ्फड़। एक तो आगे से रुको यार, मैं ना आगे से एक बार गाड़ी देखना चाहता हूँ। ओ भाई गाड़ी का सत्यानाश मार दिया इसने। उधर कहाँ जा रहा है? अच्छा ऊपर वाले रास्ते से जा रहा है। रुको भाई, साथ साथ जाना है इसके, मुझे तो ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे ये सब जी भी अलग ही है। कोई नहीं, चलो बस आराम आराम से हम पहुंच जाए। ओके ओके, आगे से गाइस मैं इसको कोई भी गाड़ी नहीं देने वाला। वैसे बम्पर किसका गिरा? अच्छा उस गाड़ी का गिरा है, मुझे लगा मेरी गाड़ी का बम्पर गिर गया। भाई इतनी मजबूत गाड़ी है, मैंने सोचा भाई ऐसे कैसे। एक तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है ना, बहुत ज़्यादा कम है भाई। हल्की सी बात है भाई, चढ़ाई पर चढ़ने लग जाए यहाँ तो भाई, ऐसे उछल सी गई हल्की सी गाड़ी भाई, सब स्क्रैच क्या पड़ते हैं। ओब अबे भाई मेरे गाड़ी कैसे चला रहा है गाई जी, इसकी कुछ नहीं समझ आ रही गाई जी, गाड़ी कैसे चला रहा है कि गाड़ी भाई इसकी ड्राइविंग के ऊपर। तो गाइस मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी इसकी ड्राइविंग। भाई मेरी गाड़ी की ऐसे सी मारे गई, अब कहाँ से जा रहा है उधर से भाई, ये कैसी ड्राइविंग कर रहा है पता नहीं गाइस, ये कैसी ड्राइविंग से कर रहा है समझ भी नहीं आ रही। एक तो ओ भाई ढंग से चला लिया मेरे फुफ्फड़। ओ भाई हेलो। तो गाइस यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इसने बाइक वाले का एक साथ एक्सीडेंट कर दिया, बाइक वाला मर्डर मार दिया क्या। ओ भाई उधर कहाँ जा रहा है? घर उधर है भाई साहब। हेलो गाइस, वो जा कहाँ रहा है, क्या कर रहा है भाई? घर ही उधर है तो जा कहाँ रहा है तू? ओ भाई हेलो, लेस्टर के भाई वाह, यहाँ से अब टर्न ले रहा है। गाइस कर क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही वैसे गाइस, कोई नहीं आ रहा। बाकी गाइस भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना इसकी ड्राइविंग कैसी लगी आप सभी को। भाई थोड़े बहुत टक कट तो चलो सही मार लेता है, बट भाई मेरे साथ भी ठोक गया, बट मेरी गाड़ी को कुछ हुआ ही नहीं। नथिंग हैपन विद माई कार, वाओ नॉइस नॉइस गाइस नॉइस। अच्छा गाइस आप सभी ना एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड लाइक ठोक दो यार, कमेंट सेक्शन में बता देना यार भाई इसकी ड्राइविंग, मेरी नहीं, मेरी तो है ही अच्छी आप सभी को पता ही है। बहुत लोगों ने कहा कि नाइस ड्राइविंग, ठीक है इसको छोड़ो भाई, सही बता रहा हूँ मतलब सॉरी मुझे छोड़ो, इसकी बताओ ड्राइविंग कैसी है भाई आपके हिसाब से, आप इसकी ड्राइविंग आप सभी को कैसी लगी? मैं सही बता रहा हूँ, मेरे से भी इतनी गंदी गाड़ी चलाता है, मेरे से भी गंदी गाड़ी चलाता है ना कि भाई साहब, सही बता रहा हूँ कांड ही हो गया था गाड़ी का। बाकी जीप SRT का तो इसने बहुत सारा मतलब अच्छी तरह ध्यान रखा है, बट ये उसका चला ही नहीं पा रहा ढंग से। आई थिंक सो बुगाटी इसके कंट्रोल में नहीं आ पा रही अच्छी से, आई थिंक सो। अब गेट ये रहा, जहाँ कहाँ से रहा है मामे, जहाँ कहाँ से रहा है सर जी, जहाँ कहाँ से रही हो? चलो चलो अबे भाई गेट तो खोलने दे, वेट कर वे, इतना भी जल्दी मत कर। हाँ चल 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 चलो चलो यहाँ से जाएंगे सर जी, अलग चौड़ा है इनकी दवाई। ओके सो गाइस जी के साथ हम आ चुके हैं। तो गाइस अभी का क्या सीन है ना, अभी भाई वो अंदर चला गया गाड़ी का, मैंने कहा भाई तू गाड़ी रहने दे, मैंने अभी गाड़ी को इधर खड़ा कर दिया, अपनी वाली को उधर खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई साहब तू गाड़ी गुड़ी तो रहने दे, अरे इसका इंजन ऑफ ही है, रुक जाओ भाई इसको ढंग से रुको, इधर खड़ी कर दूँ, नहीं इधर नहीं, इधर ठीक रहेगी भाई। गाड़ी के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, क्योंकि गाड़ी का इसने सत्यानाश मार दिया, इसको भी ठीक करवाना पड़ेगा। बाकी एक इधर से कोई दिखा था ना अंदर, अच्छा वो खड़ा है भाई कुछ, वो पेपर पे काम करने लग गया। वाह भाई अंदर जाते ही आई थिंक सो उसने घर के पेपरों पे काम करना स्टार्ट कर दिया। रुक जाओ, और ये रहा, ओ भाई साहब मेरे गाड़ी अच्छे से चलाया कर, मेरी गाड़ी का सत्यानाश मार दिया। चलो कोई नहीं गाइस, इसको भी पेमेंट कर देता हूँ। अरे यार एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, वो मेरे बुगाटी के अंदर पैसे पड़े थे यार, मैं पैसे तो लेकर नहीं आ, रुको रुको यार पैसे दे देते हैं बुगाटी के अंदर से, फटाफट से पैसे उठाने।
चलो गाइस, अभी हमने पैसे उठा लिए हैं, अभी इसको पैसे दे देंगे। ये अभी मतलब भाई अभी की पेमेंट है, मतलब भाई अभी मैं इसको आधी पेमेंट दे रहा हूँ, बाकी मैं पूरा घर के अंदर तब पूरी एंट्री करूँगा जब जब इसका मैं रेनोवेट फुल ये करवा दूंगा। उसके बाद मैं इसको 50%, अभी तो 50% दे रहा हूँ, 50% आफ्टर रेनोवेटिंग। बाकी ये नहीं करवाएगा, वो मैं खुद ही करवाऊंगा, मेरे पास इतना तो पैसा है। बाकी इसको पैसा भी दे देते हैं, फटाफट से पेपर्स पे साइन भी कर देते हैं। तो गाइस पैसे मैंने दे दिए हैं, एंड ये रहे पैसे। एंड एक सेकंड, इधर ना एक खड़ा है ना, रुको, इधर से जाते हैं, ठीक है। इधर से आप सभी को दिखा दूँ कि मैंने इधर क्लिप बोर्ड रख दिया है, ठीक है, ये रहा क्लिप बोर्ड। एंड इसके अंदर सब कुछ मैंने साइन सुन रख दिया, अभी साइन सुन करके इधर रख दिया है। अभी ये घर मेरा हो चुका है गाइस। एंड पैसे, अगर आप सभी को नहीं पता कि कहाँ से, बाकी मतलब जो नए बंदे आ रखेंगे उनको नहीं पता होगा कि पैसे कहाँ से है, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि पैसे है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं जिमी को जब बचाने गया था, तब वो एक बेस जो था, उस बेस के अंदर पता नहीं एक बैंक सी थी बनी हुई छोटी सी, जहाँ पर गोल्ड एंड पैसा बहुत कुछ था। एंड मैंने डगन बोस का वो चुरा लिया था, ठीक है। तो वो वहाँ से मुझे पैसे मिले थे। एंड उससे पहले हमने, आप सभी को याद है कि हमने एक जगह बैंक में चोरी भी करी थी, उस चोरी में से भी पैसे हमारे पास थे। उस चोरी ने थोड़े बहुत पैसे से हमने गाड़ियां मंगवा ली थी, बाकी तो अभी बहुत पड़े हैं अपने पास, तो पैसे बहुत सारे हैं। बाकी मैंने इसको दे दिया है सब का सब, मतलब भाई जो भी पैसे थे सब के सब मैंने इसको दे दिया। क्लिप बोर्ड को मैंने उधर रख दिया, अपने साइन सुइन कर दे कि भाई याद रहेगा, इतना मेरे इधर मतलब मेरा सामान पड़ा रहता है। बाकी एक बार आप सभी को दिखा देता हूँ कि भाई ये कैसा है वैसे नॉर्मल, ये तो आप सभी ने तो देखा ही होगा, बट आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये कैसा है। क्या, ओ माय गॉड गाइस, क्या अच्छा लग रहा है ना ये। ओके, इसको कुछ टॉय टॉयज भी रख रखे हैं इधर, सही है। चलो बाकी नॉर्मल घर है, ठीक है, ये नॉर्मल घर तो वैसे है, बट आप सभी, अबे तू कौन है बे, रुक, तेरी कौन चोर आ रखे बैठा है इधर, ये चोर कौन आके बैठे हैं, चोर कौन आके बैठे हैं अंदर, देख कैसे शांति से बैठा हुआ था बेड पे, जैसे तो इसने कुछ करा ही ना हो। हाँ के चोर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, शुक्र है भाई मैंने इसको मार दिया, ये तो भाई वो पता नहीं क्या क्या कर देता यार। चलो गाइस छोड़ो, अभी मैंने एक बस मेन चीज़ आप सभी को दिखानी है, अब मार तो दिया इस चोर का, फायदा क्या उसके बारे में बात करने का। अब ये नॉर्मल तो घर है, बाकी नॉर्मल घर तो गाइस यहाँ से आप सभी को पता चल जाएगा, यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे जाते आप सभी देख लेंगे कि यहाँ पे है क्या। यहाँ पे पूरे दारू का सीन है ना, यहाँ पे तो आराम से दारे दूरे निकलती है, बट आप सभी को क्या पता कि इस गेट में से एक सीक्रेट डोर है। तो गाइज यहाँ पर हमने बहुत पहले, जस्ट पहली बार जब हमने डगन बॉस को हमने किडनैप करा था, तो तब यहाँ पर लेकर आए थे हम, एंड उसको रखा था इसके अंदर। यहाँ पर हम गए एंड इस डोर के अंदर हमने पहली बार डगन बॉस को जब किडनैप करा था, यहाँ पे रखा था हमने, ठीक है। एंड वो सीन भी अलग ही था। एंड इसके अंदर तो भाई गन्स वगैरह पड़ी हैं, और यहाँ पे ज्वेलरीज पड़ी हैं, वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं, ये भी मेरे नहीं है, ये तो अपने जबर्टी फ्रेंड्स के ही हैं। बट गन्स, वो भाई मैं तो सोच रहा हूँ गन्स का मैं ले लूँगा क्या ना लूँ, क्योंकि गन्स की तो अभी नीड तो है नहीं, क्योंकि हमने आप सभी को पता है मिलिट्री बस में से हमने चुरा ली थी बहुत सारी गन्स। बट कोई नहीं, कभी ना कभी तो गाइस काम आ सकते, कोई नहीं, मैं उससे पूछूंगा। बट ये वाला घर के गाइस हम, हमारे नाम हो चुका है इसी के साथ, एंड अब इस घर को रेनोवेट करवाने का गाइस टाइम आ चुका है। इस घर को रेनोवेट गाइस मुझे करवाना है फटाफट से, एंड इस घर को रेनोवेट करवा कर जो लुक आने वाली है, मैंने एक देख लिया, मतलब भाई आप सभी को पता है मैगजीन्स आती रहती है, तो मैंने गाइस मैगजीन्स पे देख लिया कि भाई साहब हम मुझे कैसे किस हिसाब का रेनोवेट गाइस ये घर अंदर से करवाना है। तो गाइस अगर आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, पहली बात रेनोवेट बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाला है, एंड आप सभी को ये पूरा का पूरा घर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो गाइस आप वेट ज़रूर करना कि इसकी वीडियो कब आएगी, बट आ जाएगी बहुत जल्द, परसों ही आ जाएगी, क्योंकि मैं एक दिन का गाइस आप सभी को पता है ब्रेक तो लेता हूँ बीच में। तो गाइस अगर आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करते रहना, अच्छा ना इसको करते रहना सब्सक्राइब। बाकी गाइस मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ बात करने के लिए मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। एंड इंस्टाग्राम पर जाके अपने भाई को प्लीज़ फॉलो कर दें, ठीक है,
वहाँ पर भी प्लीज फॉलो कर रहे, प्लीज 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 यार फॉलो कर लो यार, प्लीज फॉलो करो, कोई नहीं फॉलो करता यार, ऐसा मत करो। इंस्टाग्राम पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, लाइक भी ठोक देना, कमेंट भी, शेयर भी, सब कर देना। एंड मिलते हैं नई और ब्रांड वीडियोस का, तब तक गाइस गुड बाय।